बात कर रहे हैं इंदौर से अजय बागड़ी जी के साथ। नमस्ते अजय बागड़ी जी, कैसे हैं आप? दोस्ती बढ़िया। मोदी जी का संदेश आया है कि परसों यानी 5 तारीख को रात को 9 बजे सबको छत पे जाके अपनी बालकनी से या घरों से दिए जलाने, कैंडल्स जलानी है, एटलीस्ट फ्लैश लाइट्स ऑन करनी है। जो वॉलंटियर सर्विस दे रहे हैं कोरोना के लिए, क्या आप उसको सपोर्ट करना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। जो अगर हम सारे भारतवासी मिलकर यदि अपनी छतों से यदि ये लाइट्स रोशन करते हैं तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा और एक एकता की मिसाल बनेगा, और ये होना ही चाहिए। मोदी जी का ये कॉल जो है हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये जो उन्होंने कॉल इसीलिए किया है कि जो वर्ग जो अभी तक इस अभाव में जो क्वारंटाइन टाइम पे निकाल रहा है, जिनके पास चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन लोगों तक एक मैसेज इस बात से प्रकाश का एक्सप्रेशन होना होगा, जो कि शायद ये 9 मिनट तक के लिए जो मोदी जी ने कॉल किया है कि इसे अपने अपने घरों से जलाएं, तो बहुत ही अच्छा। मैं जरूर करूंगा इसको, और मैं इसका धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जो हम ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो वाकई में इस प्रकार से देश की हर जनता को एकजुट किए हुए हैं। तो क्या आप इस बात में यकीन कर रहे हो कि जो मोदी जी ने सोशल डिस्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाया, हर एक स्पीच में अवेयरनेस फैला रहा है, नो डाउट दिक्कतें आ रही है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहेंगे, आप क्या सोचते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग तो इस वक्त आवश्यकता बन चुकी है इस देश के लिए। अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो शायद इसके परिणाम खराब ही होंगे, पर कुछ लोगों के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाना और इनकी जो जानकारी का कमी होने से वजह से जो बीमारी एक हद तक काबू में आ जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैं समझता हूँ अगर हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी इस कोरोना से हम लोग मुक्ति पा लेंगे। मौलाना साद, जो कोरोना के अभी फिलहाल लाइव बॉम्ब बन चुके हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मौलाना साद एक प्रश्न ऐसा है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और शायद हम धर्म की राजनीति ना करें, ये एक मेरा देश के लिए देश से एक आह्वान है, रिक्वेस्ट है कि जो भी नाम है ये मौलाना साद हो या रामलाल हो या कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जिन व्हाटेवर, पर ये इस प्रकार की जो दिल्ली दिल्ली में ये जो लोगों का मिलना हुआ है एक धर्म के सम्मेलन में, ये गलत हुआ है, और उनका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि ये मनुष्य जाति के लिए एक खतरा है। अगर ये इस प्रकार की हरकतें होती रहेंगी तो हम इस पर काबू कैसे पाएंगे? 21 दिन का लॉकडाउन का जो पीरियड है, बड़ी मुश्किल से हम लोग निकाल रहे हैं। अगर 21 दिन के बीच में इस प्रकार की ये फ्रिक्वेंसी आएंगी या इस प्रकार के डिस्टर्बेंस होंगे, तो लगता है कि फिर जब ये कब तक ये जाएगा लॉकडाउन, मैं नहीं कह सकता इस पर हम काबू पा लेंगे। इसलिए हमें संभल के रहना होगा, इस प्रकार के धर्म आयोजनों को अब दूरी बना कर रखना पड़ेगी, बहुत आवश्यक है इस वक्त। सामान्य नागरिक के हिसाब से आपको कल कैसी दिक्कतें आ रही है, जो आप रेडी हो फेस करने के लिए कि कोरोना ठीक हो सके? सामान्य नागरिक होने के नाते मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव है कि स्टे एट होम, तो घरों में ही रहें, और जितनी आपकी आवश्यकताएँ उतनी जो आपके पास उपलब्ध साधन है उनका उपयोग करें, और उससे अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपने डे टू डे आप अपने आप को मेंटेन रखें। जरूरी नहीं कि हमें कुछ अपनी आवश्यकताओं को कुछ कम कर सकते करके इतना भी ये टाइम निकाला जा सकता है। और आप खुद कुछ अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो या लोगे? एग्जैक्टली, मैं जब से लॉकडाउन हुआ है मैं अपनी शॉप जो है मेरे यहाँ जो घर से 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से, मैं लॉकडाउन के बाद गया नहीं हूँ, मैं अपने घर पर ही हूँ, और किसी प्रकार का कोई मेरे मन में कोई इस प्रकार का लालच नहीं है कि मैं अपनी शॉप खोलूँ जाकर और लोगों के साथ कांटेक्ट में आऊँ या अपने मेरे कांटेक्ट के द्वारा किसी और को परेशानी दूँ या मिलूँ। तो ये सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ सभी को करना ही चाहिए। थैंक यू अजय जी हमारे साथ बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि मेरा संदेश सब तक जाए और इसका फ़ायदा आम जनता को मिले। थैंक यू स्वाति।